हरिद्वार में बीते दिनों हर की पौड़ी पर गिरी आसमानी बिजली देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिसको लेकर सच्चाई सामने आई है, जो कि अर्थ प्रकाश ने पहले भी स्पष्ट किया था। और अब प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि भूमिगत बिजली लाइन और गैस पाइपलाइन को लेकर चल रही अनियंत्रित खुदाई के बाद गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, जिसे बारिश का पानी रिस कर मकान व होटलों की नींव में समा रहा है। सोमवार की रात को भारी बारिश के बीच ऐसा ही हुआ। बारिश का पानी रिस कर हर की पौड़ी दीवार तक चला गया और जिससे दीवार ढह गई। इसे आकाश ने बिजली का नाम देकर कार्यदायी संस्था को बचाने की कोशिश की गई। जहां हर की पौड़ी की दीवार गिरी है, उसे 3 मीटर पहले ही सड़क में खुदाई की गई है। टीम का मानना है कि संभवतः खुदाई में पानी रिस कर दीवार तक पहुँच गया होगा। जिलाधीश सी रविशंकर ने 3 सदस्य बनाए गई कमेटी का उल्लंघन करते हुए बताया कि टीम में सिंचाई, जिला खनन व भू वैज्ञानिक को शामिल किया गया था। टीम की रिपोर्ट में आकाश ने बिजली का उल्लंघन नहीं है। जांच में टीम ने पाया कि दीवार आकाश ने बिजली से नहीं गिरी थी, बल्कि पानी के रिवाव के कारण गिरी। उन्होंने बताया कि 3 सदस्य समिति ने जिलाधीश को बुधवार देर रात 10 बजे अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी। इससे पहले सभी आकाशीय बिजली से दीवार गिरने की बात को बोल रहे थे। प्रातः 3:30 बजे जो कंपाउंड वॉल गिरा था, उसके लिए एक संयुक्त निरीक्षण करने के लिए और उसका गिरने का जो कारण है उसको पता लगाने के लिए एक टेक्निकल असेसमेंट करने के लिए कमेटी गठन किया गया था। उसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर PWD, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर UPPL, इरीगेशन और जियोलॉजिस्ट एक डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर का जो है सबमिट टीम का, उन्होंने अभी रिपोर्ट सबमिट किया है। जैसे पहले अनुमान और लोगों का जो एक ओपिनियन था कि वो संभवतः आकाश बिजली की वजह से गिरा होगा करके, वो असेसमेंट के बाद ये पाया गया कि इस पर तक कोई आकाश बिजली की वजह से ये घटना नहीं हुई है। ये घटना का मेन कारण है वहाँ का जो पानी का जो रिसाव है काफी मात्रा में होने के कारण, और ये जो दीवार है, दीवार में वो जो रिटेनिंग वॉल के रूप में वो स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं था, लीपिंग होल्स नहीं था, और ये जो सैंडस्टोन का वहाँ पे जो प्रवृत्ति है जो जियोलॉजिकली, इसका मेन रीजन बताया जा रहा है। इसमें अवलोकनीय विषय ये भी है कि वहाँ जो भूमिगत केबल जो है UPPL के वजह से जो डाला जा रहा है, फिलहाल ये घटना स्थल से लगभग 3.5 मीटर दूरी पर तय करके बता रहे हैं, तो उसका सीधे अगर कनेक्शन डायरेक्टली उसमें इम्प्लीकेट नहीं हो रहा है, मगर वो भी एक जरूर कारण रहा होगा कि जहाँ पे इस प्रकार का एरिया पे जो है और मतलब लाइटिंग करने के लिए, तो इस प्रकार का एक निष्कर्ष उन्होंने निकाल करके रिपोर्ट दिया है। तो अभी वर्तमान में ये जो वहाँ का जो ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स है और इसका जो इस प्रकार का घटना होने के बाद वहाँ का जो सिक्योरिटी और जो वहाँ का जो सेफ्टी वाली पार्ट है, इसको रीअसेस करने के लिए जो है अभी डायरेक्शन देने वाला है। इसमें भविष्य के लिए एक प्रॉपर जियोलॉजिकल स्टडी के बाद जो है वहाँ पे रिटेनिंग वॉल बनाने के लिए जो है योजना बनाएंगे, तो इस संबंध में जो है संबंधित को डायरेक्शन दिया जाएगा। अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और देखें ताजा अपडेट्स और कमेंट बॉक्स में अपने मूल्यवान सुझाव।